नाउ वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड प्रेस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्ड प्रेस होता क्या है, वॉट इज वर्ड प्रेस। सपोज दैट आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि वर्ड प्रेस क्या है, तो आप किस तरीके से वर्ड प्रेस को डिफाइन करोगे? तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो, वर्ड प्रेस इज अ सी एम एस, ये सी एम एस है ऑफ पी एच पी टेक्नोलॉजी। ये एक पी एच पी टेक्नोलॉजी का ये सी एम एस होता है वर्ड प्रेस। सी एम एस का मतलब होता है, सी एम एस मीन्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब सी एम एस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, मीन्स वर्ड प्रेस प्रोवाइड डिफाइन डैशबोर्ड। वर्ड प्रेस आपको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। यूजिंग दिस वी कैन इजिली क्रिएट डायनामिक वेब एप्लीकेशन। मतलब वर्ड प्रेस इज नॉट फॉर डिजाइनिंग, वर्ड प्रेस डिजाइनिंग के लिए नहीं होता। वर्ड प्रेस के माध्यम से, वर्ड प्रेस का यूज करके आप डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, जैसे आप पी एच पी के थ्रू बनाते हो। बस डिफरेंस ये होता है कि पी एच पी के अंदर यदि आप कोई डायनेमिक एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके लिए आपको 100% कोडिंग करना पड़ता है। वर्ड प्रेस के थ्रू आप बिना कोडिंग के, विदाउट यूजिंग कोड, वी कैन डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग कंटेंट कस्टमाइजेशन। वर्डप्रेस में आपको कंटेंट को कस्टमाइज करते आना चाहिए। मतलब वर्डप्रेस आपको बना बनाया पूरा डैशबोर्ड देता है, इस डैशबोर्ड के अंदर आपको कस्टमाइज करना है और एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है। वर्डप्रेस वॉज लॉन्च्ड टू क्रिएट ब्लॉग बेस्ड एप्लीकेशन। इनिशियली जो आपका वर्ड प्रेस बनाया गया था वो ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया था, मतलब ब्लॉग बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो शिवा ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम जो एप्लीकेशन है, ये एक ब्लॉग बेस्ड एप्लीकेशन, इसमें मैं ब्लॉग लिखता हूँ। तो जो ब्लॉग के लिए, ब्लॉग मतलब ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉग लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है सेलेनियम में, वैसे मैंने एक दूसरा ब्लॉग लिखा है JDBC क्या होता है, इसके बाद मैंने तीसरा ब्लॉग। ऐसे आपको यदि PHP के ब्लॉग पढ़ना है तो आप सिंपल मेरे सर्च पे जाओ और यहाँ पे गो करो, तो आपको PHP के बहुत सारे ब्लॉग मैंने लिखे हैं, ठीक है, कि किए PHP। जैसे अभी ये देखो, हाउ वी क्रिएट थीम इन वर्ड प्रेस, वर्ड प्रेस में विजेट कैसे बनाते हैं, कोर PHP, इंटरव्यू क्वेश्चन, सेशन इन PHP, लूप क्या होता है PHP में, तो ये सब अलग अलग क्या है, ब्लॉग हैं। तो यदि आपको इस तरीके का कोई एप्लीकेशन बनाना है, ब्लॉग बेस्ड कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए वर्ड प्रेस का यूज़ किया गया था। तो वर्ड प्रेस वॉज लॉन्च टू क्रिएट ब्लॉग बेस्ड एप्लीकेशन, बट नाउ वी कैन क्रिएट ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग वर्ड प्रेस। ठीक है, आज के डेट में वर्ड प्रेस के थ्रू आप सभी टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हो। मतलब शुरू में वर्ड प्रेस की जो शुरुआत हुई थी वो ब्लॉग बेस्ड एप्लीकेशन से हुई थी, लेकिन आज के डेट में आप ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। जैसे आपको किसी कंपनी की साइट बनानी है, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन की साइट है, शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन डॉट कॉम, जैसे ये कंपनी की साइट है। तो यदि आपको किसी कंपनी की साइट बनानी है, कोई जैसे जावा टी पॉइंट होता है, ट्यूटोरियल टी पॉइंट, W3 स्कूल, इस टाइप का कोई एप्लीकेशन बनाना है, या कि आपको जैसे कंगारू सॉफ्टवेयर डॉट नेट, यदि कंगारू सॉफ्टवेयर डॉट नेट ये कंपनी की साइट है, यदि आपको इस तरीके का कोई साइट डेवलप करना है, तो वो सभी वर्क आप वर्ड प्रेस से कर सकते हो। और वर्ड प्रेस के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वर्ड प्रेस में सब चीज़ें डायनेमिक होती हैं। आप वर्ड प्रेस के थ्रू एक एक कंटेंट चेंज कर सकते हो डायनेमिकली, ठीक है। वर्ड प्रेस पॉपुलर इन IT इंडस्ट्री। यदि आपको IT, पूरे IT इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर CMS है वो वर्ड प्रेस है। यदि आप पूरे के पूरे जितने भी वेबसाइट बनते हैं, जितने भी वेब एप्लीकेशन बनते हैं, किसी कंपनी की साइट हो गई, किसी रियल इस्टेट कंपनी की साइट हो गई, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की साइट हो गई, कोई पोर्टल हो गया, जावा टी पॉइंट या ट्यूटोरियल पॉइंट, इस टाइप के एप्लीकेशन आप एक दिन के अंदर बना सकते हो। वर्ड प्रेस इज मोस्ट पॉपुलर CMS इन IT इंडस्ट्री बिकॉज नॉन टेक्निकल, मतलब जिसको टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं आता, नॉन टेक्निकल यूजर्स
कैन ऑल्सो डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग वर्डप्रेस। मतलब जिसको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता वो भी वर्डप्रेस के थ्रू एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है, यूजिंग वर्डप्रेस मींस एनीवन, कोई भी कैंडिडेट कोई भी वर्डप्रेस के थ्रू एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकता है। एनीवन कैन डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग वर्डप्रेस। तो इस सेशन में मैंने आपको बताया कि कैसे हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं वर्डप्रेस के माध्यम से, और जनरली वर्डप्रेस होता क्या है, दैट थिंग वी हैव इम्प्लीमेंटेड, मतलब वर्डप्रेस क्या होता है और किस तरीके से हम वर्डप्रेस के थ्रू एप्लीकेशन बनाते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि भाई वर्डप्रेस क्या है, तो आपको ये नहीं बताना है कि वर्डप्रेस कोई लैंग्वेज है या वर्डप्रेस डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। आपको सिंपल बताना है कि वर्डप्रेस एक सीएमएस है जो पीएचपी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है। वर्डप्रेस सीएमएस का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मतलब होता है प्रीडिफाइंड ऑप्शंस को आपको मैनेज करके एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाना है, एक एप्लीकेशन बनाना है। वर्डप्रेस आपको बना बनाया डैशबोर्ड देगा, ठीक है, ये डैशबोर्ड के थ्रू आप बहुत अच्छे से कस्टमाइजेशन करके एप्लीकेशन बना सकते हो। और बिना किसी कोड, यदि आपको कोडिंग का इंटरेस्ट नहीं है, यदि आपको कोड करने में मज़ा नहीं आता है, यदि कोड करने से आप दूर भागते हो, और यदि आपको कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, तब आप वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हो। मतलब वर्डप्रेस एक ऐसा मीडिया प्रोवाइड करता है, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि बिना कोडिंग के भी आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो। वर्डप्रेस शुरू में ब्लॉग के लिए बनाया गया था, मतलब इनिशियली वर्डप्रेस वॉज लॉन्च टू क्रिएट ब्लॉग बेस्ड एप्लीकेशन, बट नाउ वी कैन क्रिएट ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन आज के डेट में आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन वर्डप्रेस से बना सकते हो। वर्डप्रेस इज मोस्ट पॉपुलर सीएमएस। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पॉपुलर सीएमएस पूरे आईटी इंडस्ट्री में क्या है, तो आप बोल सकते हो वर्डप्रेस है, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता तब भी आप एप्लीकेशन वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हो। तो इस सेशन में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज वर्डप्रेस और वर्डप्रेस का क्या इंट्रोडक्शन है, ये मैंने आपको इसके अंदर इंप्लीमेंट